चंडीगढ़ में आज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें हाउसिंग स्कीम सहित कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। पंजाब कैबिनेट ने लोगों को सस्ते मकान मुहैया करवाने का फैसला लिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, अलग अलग विभागों में 800 नई भर्तियां की जाएंगी। 100 डॉक्टर्स और 500 क्लर्क की भर्तियों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने फैसला किया कि टाउन हॉल अमृतसर में 1947 में हुए बंटवारे पर म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा। पंजाब कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि वर्ष 2016 को विकास और शांति के वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। चंडीगढ़ से नेहा सलारिया के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब दौरे पर हैं। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने संगरूर जिले से की है। आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब पर है और अपने मिशन 2017 को और ज्यादा मजबूती देने के लिए पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा संगरूर से शुरू हो चुका है। केजरीवाल संगरूर में खुदकुशी करने वाले एक किसान के परिवार से मिले। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर है और लोग बदलाव चाहते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर छाई हुई है और लोग पंजाब के मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव करना है और इस बार ईमानदार राजनीति लेके आनी है। अपने 5 दिन के पंजाब दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल पंजाब के कई गांवों और शहरों में जाएंगे और कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से मिलकर उनकी समस्या सुनेंगे, साथ ही नशा पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने को क्या क्या काम करने हैं वो समझने के लिए पूरे गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं। अभी जनता से बात करके जो जो जनता की समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और उसी से हम एक नए पंजाब का क्या सपना होना चाहिए उसी से हम एक नए पंजाब का सपना बनाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने 5 दिन के इस दौरे में वो संगरूर से होते हुए मालवा, माजा और दुआबा को कवर करेंगे। जी मीडिया संगरूर। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिकों को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का समर्थन मिला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को मिलने पहुंचे। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज सैनिकों को डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। डिवैल्यूएशन की जा रही है, कोई ऐसे पहचान नहीं करता है। एक डिसिप्लिन फोर्स रह गई हमारी हिंदुस्तान में, वो ये है। आजकल देखा आपने जीन में क्या हुआ, हमारे जो वहाँ पुलिस फोर्स थी उसने कोई एक्शन लेने से इनकार कर दिया। कैप्टन अमरिंदर ने पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को संसद में उठाने की बात भी कही कि मैं पार्लियामेंट में ये बात उठाऊंगा इन फॉर्म ऑफ एडजर्नमेंट मोशन एंड वी हैव डिफेंडर जो हमारे डिफेंडर मीरा जी ने वो बूट कर दिया है और उसके साथ मैं बोलूंगा उसको, इसको लीड करूंगा। पूर्व सैनिक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर सियासत भी हुई लेकिन सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच अपनी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वर्ष 2016-17 के लिए रेल बजट पेश किया। इस बजट में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, कई नई ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया। वहीं रेल यात्रियों के लिए और सुविधाएं बेहतर बनाने का वादा भी किया गया। रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु की फ्यूचर की सोच साफ दिखाई थी। रेल किराया न बढ़ाते हुए मुसाफिरों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया करने पर बजट में जोर दिया। रेल मंत्री ने ऐलान किया कि 2020 तक हर यात्री को कन्फर्म टिकट मिलेगा। हमें आशा है कि हम वर्ष 2020 तक आम आदमी के लंबे समय से चली आ रही आशा को पूरा कर सकेंगे। इनमें है गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होना। 2020 तक 95% ट्रेनों को वक्त पर चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल बजट में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया है। हर कैटेगरी के टिकटों में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। साथ ही महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 182 होगा जो 2400 घंटे काम करेगा।
वी विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ सब कोटा ऑफ 33% फॉर वुमेन इन ईच ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और सुविधाजनक बनाया गया है। साथ ही अगले दो साल में 400 स्टेशन पर फ्री वाईफाई सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों तेजस, हमसफर, अंत्योदय, उदय को चलाने का ऐलान भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला बताया है। गत सरकार के 5 वर्ष के बजट को देखूं तो सुरेश प्रभु जी के बजट में 2.5 गुना निवेश के साथ एक बहुत बड़ा जंप लगाया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेलवे की बड़ी सुनहरी और हाईटेक तस्वीर पेश की। हालांकि अपने वादों और दावों को हकीकत में ढालना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। रेल बजट में धार्मिक स्थलों वाले स्टेशनों के सौंदर्यकरण का ऐलान किया गया है। इनमें अमृतसर और नांदेड़ साहब के स्टेशन भी शामिल है। रेल बजट में सुरेश प्रभु ने अजमेर, बिहार शरीफ, चिंगनूर, द्वारका और गया जैसे धार्मिक स्थानों वाले रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण पर जोर दिया। इसमें सिखों के धार्मिक स्थल अमृतसर और नांदेड़ साहिब भी शामिल हैं। रेल स्टेशन को संगठन करना चाहते हैं। एवं श्रेणी के सभी कार्य तथा भारत में तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भारतीय यात्रियों में एक बड़ा स्वाभाविक आकर्षण रहता है। हमारी मंशा है अजमेर, अमृतसर, बिहार शरीफ, चेंगनूर, द्वारका, गया, हरिद्वार, मथुरा, नागपट्टनम, नांदेड़, नासिक, पाली, पारसनाथ, पुरी, तिरुपति, वेलंकनी, वाराणसी और वास्को जैसे धार्मिक महत्व के स्टेशनों का सौंदर्यकरण किया जाए तथा यात्रियों की सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की योजना भी है। हम महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट गाड़ियां भी चलाना चाहते हैं। इन धार्मिक स्थलों के लिए धार्मिक आस्था सर्किट ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया गया। ये ट्रेन तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए चलाई जाएगी। देश भर से लोग अमृतसर और नांदेड़ साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर आते हैं। अमृतसर और नांदेड़ साहब सिख संगत के लिए बड़ी ही आस्था का केंद्र है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है तो वही नांदेड़ साहब सिख कौम का 5वां तख्त है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। बार के रेल बजट में महिलाओं के लिए खास ख्याल रखा गया है। अब हर कैटेगरी के कोच में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। भारतीय रेल महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 182 शुरू कर रही है। अपने यात्रियों खासतौर पर महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख पहलकदमियां की गई है। अखिल भारतीय 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन नंबर 182। महिलाओं के लिए रेलवे की जननी सेवा के तहत रेलगाड़ियों और स्टेशनों पर बेबी फूड भी मिलेगा। ट्रेनों में ही गर्म दूध और गर्म पानी मिलेगा। इतना ही नहीं, ट्रेन में 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सुरक्षा के लिए 311 रेलवे स्टेशनों पर CCTV लगेंगे। 311 रेलवे स्टेशनों पर CCTV चौकसी की व्यवस्था की गई है। सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से CCTV चौकसी के अंतर्गत लाया जाएगा। सुरेश प्रभु के पिटारे से महिलाओं के लिए कई घोषणाएं निकली हैं। इनके लागू होने से उन्हें कई राहतें मिलेंगी। प्रतिका मई, प्रीति मीडिया, चंडीगढ़। पूर्व मंत्रियों ने इस रेल बजट को नीरस बताया है। पवन बंसल और लालू यादव ने बजट की आलोचना की है। पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल हो या फिर लालू प्रसाद यादव, दोनों को सुरेश प्रभु का बजट पसंद नहीं आया। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये रेलवे को प्राइवेट हाथों में देने की साजिश जैसा नजर आ रहा है। वहीं पवन कुमार बंसल ने कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। हरियाणा में कोच फैक्ट्री के लिए हम लोगों का था, राजस्थान में एक EMUs का था, उनका किसी का कोई जिक्र नहीं कि उनके क्या कर रहे हैं। नए किसी प्रोडक्शन यूनिट का लाइफ लाइन आम आदमी से लेकर सभी के लिए, ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। पूर्व रेल मंत्रियों में से सबसे तीखी प्रतिक्रिया दिनेश त्रिवेदी की ओर से सामने आई। मेरे हिसाब से बजट नहीं आया, ये स्टेटमेंट ऑफ इल्यूजन। मुझे लगता है आज के बाद ये देखते हुए रेलवे बजट को बंद कर दे। सुरेश प्रभु का बजट घोषणाओं की बजाय सुविधाओं पर आधारित रहा, लेकिन विरोधियों को इसमें कुछ खास या नया नजर नहीं आया। अमन कपूर,
जी मीडिया अंबाला। रेल बजट आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें लोग ज्यादातर रेलवे बजट की तारीफ कर रहे हैं। सानू ऐ लगता सी वी इस बार होर किराए वधा देणगे, पर किराया वधाया नहीं, इस गल दी सानू खुशी है। रेल बजट पेश कीता गया जी, बहुत वधिया है। इहदे विच इन्हां ने जिहड़े आ 400 स्टेशन कह रहे आ वी वाईफाई किए जाणगे। बाकी जो लेडीज सवारी है, जिहड़े डेली ट्रैवल करना हैगा जां 24 घंटे फीमेल लई सुविधा दित्ती हैगी है, उन्हां नूं किराए दे 30% दी छोट है। बहुत वधिया गल होई है कि किराए नहीं वधाए गए, जिहदे नाल कि आम जनता ते कोई बोझ नहीं पैणा। नंबर 2 ते रेलवे अमृतसर दे रेलवे स्टेशन नूं जिहड़ा इन्हां ने वधिया बणाउण दी गल कीती है। जिहड़ा रेल बजट अज आया इह बहुत ही वधिया है, क्योंकि इस गल दी बड़ी खुशी है कि मंत्री जी ने कोई किराए नहीं वधाए। जो सुरेश प्रभु है, इन्होंने इन बातों पे ध्यान दिया है जिन पर अभी तक किसी रेल मंत्री ने ध्यान नहीं दिया है। रेल बजट तो पहले भी अच्छा था, मतलब कम किराए में इतनी बढ़िया सुविधा सरकार दे रही है, इससे कम किराया तो किसी का है ही नहीं। आप बस में, प्राइवेट गाड़ियों में सफर अगर करते हैं तो वो काफी बजट बढ़ जाता है। लोग हर चीज अच्छी है, बट जब पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी। पब्लिक, कल मैंने ट्रेन में देखा लोग बेडशीट दी जाती है वो ले गए, क्यों ले? फिर अगर गवर्नमेंट इसका चार्ज अप्लाई कर ले तो गवर्नमेंट दोषी है, क्यों दोषी है? पहले अपना तो देखो। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह की बजट में सुविधाओं देने का ऐलान किया गया है, वो सुविधाएं भी जल्द ही लागू होंगी। सुमित जोशी, जी मीडिया। रेप और हत्या का मामला आया सामने, आरोप पड़ोस में रहने वाले युवक पर लगे। 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया गया है, और वो भी लगातार 8 दिन तक। आरोप ये है कि रेप के बाद लड़की को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत की ये वारदात लुधियाना की है। पुलिस ने खुलासा किया है कि लड़की का पड़ोसी घर वालों की गैर मौजूदगी में घर आता था, और 8 दिन तक लड़की के साथ रेप करने के बाद उसको आग के हवाले कर फरार हो गया। मौसा की रेड़ी वाला लड़का सी, ते उन्हें नू कल घर विच कल्ली सी, ते रेप करन तो बाद अग लगा दित्ती। बाद विच उसने डॉक्टरां दे कोले बयान दिता कि ये पिछले 8 दिनां तो उस दे नाल रेप कर रहा सी, ते कल फिर इन्हें मजामत की तो इसने उन्हें अग ला के साड़ दिता। मुख्य आरोपी फरार है, हालांकि 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है। 302-376 का परचा असी दर्ज कर दिता है, ते उन्हां दे विच्चों 4 मैंबर राउंड अप कीते है, ते इक विहड़े दा मालिक, इक उहदा फादर ते 2 भरा, ते लड़के दी तलाश जारी है। सानूं इंपोर्टेंट क्लूज मिले है, जल्दी पकड़ लवांगे। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश की जा रही है। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला से जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट संगठन के एक फिदायीन मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से काफी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के इस आतंकी का नाम सादिक गुज्जर है, और ये पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है, और सुरक्षा बलों को काफी लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। ये आतंकी पिछले साल नवंबर में तंगधार में हुए आतंकी हमले में मारे गए 3 आतंकियों के साथ शामिल था। इस आतंकी के पास से एक AK-47 कारतूस और सैटेलाइट फोन बरामद हुआ है। नवीद और साजिद के बाद पाकिस्तान के तीसरे जिंदा मिलिटेंट सादिक की गिरफ्तारी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। जाट आंदोलन और मुरथल में कथित गैंगरेप के मामले में हाईकोर्ट ने काफी दिशा निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि रेप पीड़ित लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी कम CGM को लिखित में शिकायत दे सकती हैं। जाट आंदोलन के दौरान सोनीपत के मुरथल में महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ था या नहीं, इसकी जांच पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख काफी सख्त है। मामले का संज्ञान लेते हुए अदालत ने व्यवस्था दी है कि अगर कोई पीड़ित है तो वो लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेक्रेटरी कम CGM को शिकायत दे सकता है, उनकी पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। कोई भी कंप्लेंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल एड अथॉरिटी को की जा सकती है, वो सेक्रेटरी उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे पुलिस को कंप्लेंट रिकॉर्ड करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और उसके बारे में जो भी ऐसी कंप्लेंट अगर उसकी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज की जाएगी। हरियाणा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए हैं और मामले में उच्च स्तरीय जांच की जरूरत बताई है।
हमने करीब 10 जाकर जगह जाकर लोगों से इंक्वायरी करी है, तो ये घटना हुई है पूरी तरह से सत्य घटना है, और इसकी अगर कोई सही ढंग के सीबीआई की इंक्वायरी हो तो तभी इसकी सच्चाई निकल सकती है, क्योंकि पूरा हरियाणा के अंदर पूरी तरह से प्रशासन, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन तमाम जो है पूरी तरह से लोगों का कोई विश्वास नहीं रहा उनके ऊपर जी। कोर्ट और वुमन राइट कमीशन की टिप्पणियां जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस की भूमिका व रवैये पर सवाल उठाती हैं। राकेश रोहिला, जी मीडिया, कुरुक्षेत्रा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में दहेज हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शादी में फॉर्चूनर गाड़ी की मांग पूरी ना करने पर ससुराल वालों ने अपनी बहू की हत्या कर दी। बल्लभगढ़ के यमुना पार सोलड़ा गांव में एक विवाहिता की हत्या का केस सामने आया है। विवाहिता के मायके वालों ने दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं। लड़की फांसी लगा के मारी है। किसने मारी है, कब पता चला था आपको? हमें तो रात को 8 बजे बताइए। किसका फोन आया था और क्या सूचना मिली थी आपको? बेटा वाले को और जो छोरा कोई खुद को, दोनों फोन आया। फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे हो। तो क्या बताया था सिस्टर ने आपके? उन्होंने कहा कि नंद और सास ससुर ये गाड़ी के लिए बोलते हैं कि बड़ी गाड़ी लेकर फॉर्चूनर। ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दहेज के लालच में फांसी दी है ससुराल पक्ष वालों ने, जिसमें 4 आदमी को नाम लिखाया, पति का, ससुर का, सास का, एक नाम कर दिया है। बहरहाल मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही मालूम चलेगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सदन में अपना अभिभाषण पेश किया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल बुटेल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें खुद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। स्पीकर साहब ने कहा कि भाई सदन ठीक से चलना चाहिए, शादी नीति से चलना चाहिए, नियम अनुसार चलना चाहिए, तो ये उनकी बात है। तो बात कही सही, हम भी ये चाहते हैं और विपक्ष ने भी ये वायदा किया हम ऐसा खंडन करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने साफ कहा कि बीजेपी पीलिया और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करेगी। अगर आप चर्चा उसमें अलाउ करेंगे, निश्चित तौर पे शोर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोचो कि जॉन्डिस पे हम नोटिस दें, पीलिया पे नोटिस दें और आप कहें कि इस पे चर्चा नहीं हो सकती, फिर हंगामा होगा ही। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाए रखने के लिए सहयोग देने की अपील की है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखकर हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। हिमाचल में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ तो यहाँ भी हरियाणा जैसे हालात हो जाएंगे। ये बयान दिया हिमाचल टूरिज्म बोर्ड के वाइस चेयरमैन और पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया। बड़ी बात यही है कि मेजर मनकोटिया ने इस बयान के जरिए हरियाणा के ताजा हालात का हवाला दिया है। बगल में देखते देखते क्या हरियाणा की तस्वीर क्या बन गई, मतलब कभी किसी ने सोचा था कि इतना उग्र रूप धारण कर लेगी? तो आप जज्बातों को समझिएगा, हम भी आपको यही संकेत दे रहे हैं कि यहाँ भी आग लगने वाली है अगर पाकिस्तान की टीम को आप यहाँ उतारेंगे। मुझे लगता है इसको जनता पर छोड़ देना चाहिए। अगर जनता को लगता है मैच नहीं देखना है तो ना देखें, अगर जनता को लगता है मैच देखना है तो देखें, लेकिन राजनेता इस पर अपनी राजनीति बंद करें। हिमाचल में भारत पाक मैच को लेकर महाभारत चल रही है। बयानों पर वार और पलटवार की राजनीति के बीच मैच पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। विशाल द्विवेदी, जी मीडिया, शिमला। धर्मशाला का एक युवक आज अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहा है। उसकी ये हालत वन विभाग का एक रेस्ट हाउस बनाते समय सीमेंट का बीम गिरने से हुई है। धर्मशाला के गांव सेखों के इस कच्चे मकान में रह रहा युवक कुलजीत 1.5 साल से इसी तरह बदहाल जिंदगी जीने पर मजबूर है। इसकी ये हालत 1.5 साल पहले उस समय हुई
जब वन विभाग के रेस्ट हाउस के निर्माण के दौरान सीमेंट की एक बीम इसकी पीठ पर आ गिरी। समय पर इलाज न मिलने से कुलजीत चलने फिरने में लाचार हो गया। कुलजीत के मुताबिक ठेकेदार, वन विभाग और मंत्रियों से मदद की गुहार के बावजूद इनको कोई मदद नहीं मिली। सभी जगह गए जी, मंत्रियों के पास भी गए, ठेकेदार भी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। वो बोलते हैं जी हम फॉरेस्ट के पास जाओ, फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि ठेकेदार के पास जाओ। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। उस इन्वेस्टिगेशन से जो भी निकलेगा, अगर ये निकलता है कि किसकी लापरवाही से हुआ है, उनके खिलाफ जो हम जो है सख्त कार्रवाई करेंगे। और जो भी अगर विभाग में उन्होंने काम किया है, इन्वेस्टिगेशन से निकल के आता है कि विभाग में रहे हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, जो हर संभव जो सहायता होगी जो है वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। राहत की बात यह है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के हाथ उसकी मदद के लिए आगे आए। बम धमाके मामले में 42 महीने की सजा काटने के बाद एक्टर संजय दत्त आज पुणे की येवला जेल से रिहा हो गए। अपनी रिहाई पर संजय दत्त ने कहा कि आजादी की राह आसान नहीं होती। पुणे की येवला जेल में सजा काटने के बाद संजय दत्त जब जेल से बाहर निकले तो उन्होंने जमीन को चूमा और लहराते झंडे को सलाम किया। हालांकि उनकी रिहाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। संजय पुणे से मुंबई पहुंचे। उनकी सिक्योरिटी के लिए उनके दोस्त सलमान खान ने एयरपोर्ट पर 4 बॉडीगार्ड भेजे थे। वाइफ, मेरे बच्चे और मेरे दोस्त, जैसे ये एक बैठे हैं जो अमेरिका से आए हैं मेरे लिए, परेश भाई, और ऐसे लोगों की वजह से मतलब मेरे जो वो मुश्किल के दिन कट। एयरपोर्ट से संजय दत्त सीधे दर्शन करने सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे और फिर उन्होंने बाड़ा कब्रिस्तान जाकर अपनी मां नरगिस को श्रद्धांजलि दी। संजय जब घर पहुंचे तो फैंस का जमावड़ा देखने को मिला। वो सबका शुक्रिया अदा करते दिखे। इस मौके पर उन्होंने अपने पिता को भी याद किया। 23 साल जिसके लिए मैं तरस रहा था वो आज़ादी है, उसके लिए मैंने हर चीज की, और वो दिन आज आ गया है आजादी का। संजय दत्त की रिहाई पर बॉलीवुड सितारों ने भी खुशी जताई है। जेल से रिहाई के बाद अब संजय दत्त बॉलीवुड में अपनी नई पारी जल्द ही शुरू करेंगे। कई बड़े प्रोजेक्ट संजय दत्त का इंतजार कर रहे हैं।